देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी लूट की वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, उसी पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर कुछ बदमाशों ने 50 लाख की लूट को अंजाम दिया। पूरे प्लान का मास्टरमाइंड भी कोई और नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर। दरअसल 12 अक्टूबर की शाम को पान बहार कंपनी के एक कर्मचारी सुरेंद्र पाल को चांदनी चौक के कूचा घासीराम बाजार से कई ग्राहकों से पैसे इकट्ठे कर लाने थे। पैसे कलेक्ट कर वो अपने ड्राइवर इंद्रपाल के साथ सलीमगढ़ फ्लाईओवर के पास पहुंचता है, मगर फिर वहां दो ट्रैफिक पुलिस कर्मी आते हैं और उनकी कार रुकवा लेते हैं। उनके पास वायरलेस सेट भी था। वो चेकिंग का हवाला देते हुए कार की डिग्गी खुलवाते हैं। फिर इतनी ही देर में दो और बाइक सवार वहां पहुंचते हैं और कार में रखे 50 लाख उठाकर चंपत हो जाते हैं। जब पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले की जांच करनी शुरू की तो पता लगा कि दोनों बाइक भी चोरी की थी। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों के रूट को खंगालना शुरू किया और डंप डाटा से एक आरोपी का मोबाइल नंबर पता लगा। अलवर में छापेमारी के दौरान बदमाश महेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद उसी के साथ ही संदीप को भी पकड़ लिया गया। दरअसल 3 अक्टूबर को संदीप ने लूट के लिए 5 सिम कार्ड की मांग रखी। फिर महेंद्र 5 सिम कार्ड के साथ नोएडा पहुंचा। उसके बाद हरेंद्र, सागर, प्रतीक और संदीप नाम के अपने साथियों को सिम कार्ड दे दिए। हरेंद्र अभी फरार है और वही इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड भी है। वो दिल्ली के मलकागंज रोड में एक स्कूल में टीचर है। दरअसल इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले कूचा घासीराम बाजार की अच्छी तरह रेकी कर ली गई थी। हरेंद्र कंपनी के ड्राइवर इंद्रपाल को पहले से जानता था। उसी के जरिए उसे मालूम चला था कि कंपनी का इतना कैश इस दिन लाया जाना है। बदमाशों के नकली पुलिस होने की खबर किसी को ना हो, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। दोनों ने पहले किंग्सवे कैंप की एक दुकान से पुलिस की वर्दी और मास्क खरीदे। उसके बाद एक टॉय वायरलेस सेट भी ले लिया ताकि उनका नाटक बिल्कुल असली लगे। अभी इस पूरे मामले में फरार बदमाशों की तलाश जारी है और ड्राइवर इंद्रपाल से पूछताछ की जा रही है।